हेलो फ्रेंड्स, भारती किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ खस्ता समोसों की रेसिपी। एकदम क्रिस्प समोसे हो, शाम को चाय के साथ कुछ खाने का मन हो और हम बच्चों को बाहर का ना देना चाहें या खुद ना बाहर का खाना चाहें, तो हम अपने घर में समोसे कैसे बनाएं, तो आइए देखते हैं उसकी रेसिपी कि झटपट से आने वाले मेहमानों के लिए समोसे आप खुद घर में बना सकें। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है मैदा। ये तकरीबन 250 ग्राम मैदा है। इसमें हम अजवाइन डालेंगे पहले एक चम्मच। इसे हम अच्छे से हाथों से क्रश करके डालेंगे और साथ ही साथ आधा चम्मच नमक डालेंगे। अब इसे हमें खस्ता बनाने के लिए, करारा बनाने के लिए, इसमें हम मोयन के लिए ऑयल डालेंगे। तकरीबन एक बड़ी करछी मैंने भर के इसमें ऑयल की डाली है फ्रेंड्स। अब अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, पहले हम इसे हाथों से ही अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे कि मोयन हमारा आसानी से इसमें मिक्स हो जाए और इसे हम तकरीबन 1 से 2 मिनट तक आपस में मिक्स करेंगे जिससे कि आटे का टेक्सचर जो है वो बदल जाए। इसे आपस में ऐसे मसलते हुए हम मिक्स करेंगे। देखिए हमारा मैदा कितना अच्छे से हो गया है। अब हम इसमें पानी डाल के गूंधेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, सारा पानी इकट्ठे नहीं डालेंगे क्योंकि हमें इसका डो ढीला नहीं गूंदना है, थोड़ा हार्ड डो ही हमें इसका चाहिए। तो देखिए अब हमारा समोसे के लिए मैदा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे और तब तक हम इसमें स्टफिंग इसकी बनाएंगे आलू की। तो अब हम अपने आलू की स्टफिंग बनाएंगे जितनी देर हमारा मैदा रेस्ट हो रहा है। इसके लिए मैंने तकरीबन 6 से 7 आलू लिए हैं, उबले हुए आलू हैं ये फ्रेंड्स। इनको हमें काटना नहीं है, जस्ट हाथ से ऐसे हल्का सा मसल देना है ताकि इसके मोटे मोटे पीसेस भी रहें और ये हल्का सा मैश भी हो जाए। देखिए अपने सारे आलूओं को हम ऐसे कर लेंगे। अब हम इन आलूओं के ऊपर अपना मसाला डालेंगे। तकरीबन आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1/4 चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है, 1/4 चम्मच ही अमचूर पाउडर डाला है, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच कसूरी मेथी, आधा चम्मच नमक या स्वाद अनुसार नमक और 1 चुटकी के करीब इसमें अजवाइन डाली है। ये आलू बनाने बहुत आसान है फ्रेंड्स, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। जस्ट बॉइल्ड आलू के ऊपर अगर आप ऐसे ही में ही मसाला डाल देंगे तो कढ़ाई में आसानी होगी इन्हें चलाने में। अब हम इसके साथ ही साथ अपना कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच ऑयल लेंगे और तकरीबन 1/2 चम्मच इसमें जीरा डाल देंगे और साथ ही साथ इसके हम 1 छोटी कटोरी मटर डाल देंगे। अब इन्हें हम आपस में चला लेंगे जिससे कि मटर जो है वो हमारे 2 से 3 मिनट में ही पक जाएंगे। अब हमारे मटर हो गए हैं, हम इनमें अपना पनीर डालेंगे और साथ ही साथ अपने ये मसाले वाले हम आलू डाल देंगे। और इन्हें अच्छी तरह आपस में मिक्स एंड मैश करेंगे।
हम अपने आलूओं को पलटाएंगे तो इन्हें इस तरह से मैश करते हुए और बिल्कुल आराम से हम अपनी कड़छी को चलाएंगे फ्रेंड्स, जिससे कि ये आराम से आसानी से मैश हो जाए। इसी के साथ साथ हम इसमें खूब सारा हरा धनिया डालेंगे। और आपस में इसे मैश करेंगे। आपने पूड़ी के साथ तरी वाली आलू की सब्जी तो बहुत खाई होगी फ्रेंड्स, लेकिन एक बार आप इसमें भी ट्राई कीजिए। ये बहुत टेस्टी लगती है सूखी आलू की सब्जी पूड़ी के साथ, और बिल्कुल ऐसे ही बनेगी। सिर्फ आप मटर और पनीर मत डालिए और सिर्फ आलू की सब्जी बनाइए। चाहे तो पराठे के साथ खाइए या चाहे तो पूड़ी के साथ खाइए, ये आलू की सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। तो देखिए हमारे मसाले आपस में मिक्स हो रहे हैं अच्छे से। तो देखिए अब हमारे आलू जो है वो बिल्कुल तैयार हैं। हमने इन्हें आपस में मैश करते हुए हिलाया है और चलाया है। अब हमारे समोसे की स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। इसे हम थोड़ा ठंडा करने के लिए किसी प्लेट में निकाल लेंगे और समोसों को तलने के लिए, तेल को गर्म होने के लिए रख देंगे। तो देखिए अब हमने अपने समोसों के लिए कढ़ाई में ऑयल गर्म होने रख दिया है, साथ ही साथ हमने आलू की स्टफिंग को एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब हम अपने समोसे के आटे पर काम करेंगे। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं हमारे मैदे को रेस्ट करे हुए। अब हम इसे एक बार अच्छे से और गूंध लेंगे और देखिए अब ये कितना सॉफ्ट हो गया है, कितना अच्छा लचीला हो गया है। अब हम इसमें से पेड़े काट लेंगे इसके, जैसे हम रोटी बनाते हैं वैसे ही हमें इसके पेड़े बना लेने हैं। और अब हम इन पेड़ों को रोल करेंगे। और फ्रेंड्स रोटी हम गोल बनाते हैं लेकिन ये हमें थोड़े लंबाई में बनाने हैं। कैसे, देखिए इस तरह से हमें इसे थोड़ा लंबा बेलना है क्योंकि ये बीच में से कट हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा मोटा और थोड़ा लंबा, ये हमने बेल लिया है। ये देखिए ये बिल्कुल लंबाई में है। अब हम क्या करेंगे, इसे बीच में से कट करेंगे। ये देखिए लंबाई वाले पोर्शन में हम बीच में से इसे ऐसे कट कर देंगे। और ये जो हमने कट किया है इसमें हमारे दो समोसे बन जाएंगे। तो अपने सभी समोसों के लिए हम इस तरह से बेल कर कटिंग करके रख लेंगे। ऐसे ही हम अपना दूसरा पेड़ा लेंगे और उसे भी बेल लेंगे, पर हमें गोल नहीं बेलना है, थोड़ा लंबाई में ही बेलना है, जिसमें से उसमें से दो समोसे हमारे बनेंगे। ये देखिए अब हमने इसको भी लंबाई में बेल लिया है और इसे भी हम बीच में से ऐसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद देखिए हमने इसको भी ऐसे रख दिया है। तो देखिए अब हम अपने समोसों की एक ऐसे पट्टी लेंगे और एक कटोरी में हमने पानी लिया है, इसे हम इसके चारों तरफ फिंगर से लगा देंगे और इसे उठा के हम ऐसे मोड़ेंगे जिससे कि हमारा समोसा जो है वो एक कोन की शेप में आ जाए। और यहाँ से इसे हम अच्छे से प्रेस कर देंगे। ये देखिए प्रेस करके हमने इसको बंद कर दिया अपने कोन की शेप को। और जो यहाँ से कोन था बैक साइड से इसे हम ऐसे करेंगे
और फिर ऐसे करेंगे और अब हम इसके अंदर अपनी फिलिंग करेंगे। देखिए अब हम इसे आपस में प्रेस करते हुए बंद करेंगे और कस के प्रेस करेंगे फ्रेंड्स, ताकि जो हम ये प्रेस कर रहे हैं वो आपस में मिल जाए और खुले ना। देखिए आपका समोसा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे एक प्लेट में ऐसे रखते जाएंगे। आप अपने मेहमानों के आने से पहले भी ऐसे बनाकर रख सकते हैं, ताकि उनके आने पर आप उन्हें झटपट फ्राई करके दे सकें। तो अब हम अपने सारे समोसों को ऐसे ही करेंगे, ऐसे रखेंगे और पानी लगाएंगे और फिर इसको एक कोन साइज में बंद कर देंगे। ये आप 2 से 3 बार करेंगे तो आपको आदत हो जाएगी। देखिए और पीछे से इसको ऐसे मोड़ कर हम बंद कर देंगे और फिर इसमें हम अपनी फिलिंग करेंगे। ये देखिए और अब हम इसे प्रेस करते हुए बंद कर लेंगे। पीछे से हम इसलिए बंद करते हैं क्योंकि इसकी शेप अच्छी आए और ये आराम से इस तरह से हो जाए। तो अब हम ऐसे अपने सारे समोसों को फिल करके रखेंगे पहले। तो देखिए अब हमारे सारे समोसे तैयार हो चुके हैं। अब हम एक एक करके इन्हें कढ़ाई में छोड़ेंगे। मीडियम हॉट ऑयल चाहिए फ्रेंड्स, एकदम गर्म तेल में नहीं डालेंगे हम इन्हें और इकट्ठे डालेंगे, एक एक दो दो करके फ्राई नहीं करेंगे। समोसे हमेशा और कचौड़ी इकट्ठे ही कढ़ाई में जाते हैं। जितनी आपकी कढ़ाई में जगह है उतने आप समोसे इसमें डाल लीजिए और इन्हें 2 मिनट तक, 1-1.5 मिनट तक इन्हें ऐसे ही रहने दीजिए और उसके बाद पलटाइए। इन्हें अलटाते पलटाते हुए अच्छे से क्रिस्प गोल्डन फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हमारे समोसे अच्छे से गोल्डन हो गए हैं। अब हम इन्हें एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। मार्केट से आप लेकर आते हैं, लाते लाते भी ठंडे हो जाते हैं, कई बार हमें गर्म नहीं मिलते हैं, तो घर में एक अच्छा ऑप्शन है गर्मा गर्म समोसे खाने का। जब भी आपका मन करे गर्म समोसे खाने का, आप झटपट से अपने घर में अच्छे से समोसों को तैयार कर सकते हैं। आइए अब हम इन्हें अपनी चटनियों के साथ सर्व कर लेते हैं। तो देखिए हमारे गर्मा गर्म समोसे बिल्कुल मार्केट स्टाइल और बिल्कुल क्रिस्पी, इतने कुरकुरे हैं ये देखिए, और खाने में उतने ही अच्छे हैं। तो देखिए अब हमारे गर्मा गर्म समोसे बिल्कुल तैयार हैं। इसे खट्टी इमली की चटनी और धनिया पुदीने की चटनी के साथ आप सर्व कीजिए, अपने मेहमानों को, अपनी फैमिली को खिलाइए। और भी अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।